झारखंड में तूफान जवाद का असर, आकाश में छाए रहे बादल, जमशेदपुर और चाईबासा के इलाकों में हुई बारिश। झारखंड में 150 करोड़ का डीपीआर तैयार, विकास से काटटोली होते हुए दुर्गा सुरेंद्र चौक तक बनेगा फोर लेन। झारखंड में 6 नए कोल ब्लॉक से जल्द शुरू होगा खनन, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा झारखंड में हो 75% कर्मी। सीएम के नाम से लॉकडाउन लगाने का पोस्ट वायरल, सीएमओ ने कहा झारखंड में नहीं लगेगा लॉकडाउन या पोस्ट फर्जी, लॉकडाउन लगाने का कोई फैसला नहीं। अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा, मंदिर में चोरी की जांच कर रही पुलिस को मिली अवैध फैक्ट्री, नए वर्ष में बिहार ले जाकर शराब खपाने की थी योजना। 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में गढ़वा जिले के एकमात्र शहीद रामप्रीत ठाकुर को गढ़वा जिला प्रशासन ने किया विस्मित, वीरता के लिए मरणोपरांत मिला था शौर्य चक्र। गुमला के जंगलों और डैमों में पहुंचे हजारों प्रवासी पक्षी, संरक्षण के लिए वन विभाग ने बनाए कई प्लान। झारखंड के रास्ते हो रही गांजा की तस्करी, उड़ीसा से लाया जा रहा गांजा। झारखंड में 104 डायल कर चिकित्सा परामर्श लेने में गांव के लोग सबसे आगे। राजधानी रांची में पहली बार राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 15 दिसंबर से होगी शुरू। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।